न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। बिहार में नक्सलियों ने डायनामाइट से उड़ाया भाजपा नेता का घर, पीछे छोड़ गए चिट्ठी। बिहार के गया के डुमरिया क्षेत्र में बुधवार की रात बीजेपी के नेता और पूर्व MLC अनुज कुमार सिंह का घर डायनामाइट से उड़ा दिया गया। इस वारदात को नक्सलियों ने अंजाम दिया था। मामले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। वही हमले के बाद वहाँ छोड़े गए एक पर्चे में चुनाव के बहिष्कार के बारे में लिखा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि अनुज कुमार सिंह काफी समय से नक्सलियों के निशाने पर थे और इस हमले को देर रात 1 बजे अंजाम दिया गया। अचानक हुए धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया है। धमाके में नेता का घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी तो वह मौके पर पहुंची। इलाके में दहशत बरकरार है। नक्सलियों द्वारा छोड़े गए पर्चे को अब गंभीर चेतावनी के रूप में माना जा रहा है। बता दें कि डुमरिया गया से 80 किलोमीटर दूर है। यह नक्सलियों की मौजूदगी सुरक्षा बलों के लिए चुनौती रहती है। जिले में नक्सलियों की बड़ी मौजूदगी है जो कि चुनाव का बहिष्कार चाहते हैं। तो MNS न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।